प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 के अंतर्गत पाठ 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। कार्यपत्रक एक, अपने आसपास के क्षेत्र में उन व्यावसायिक कार्यों को लिखो जो तुम्हारे क्षेत्र में होते हैं। हमारे क्षेत्र में रोड़ी व डस्ट तैयार करने का व्यावसायिक कार्य होता है, खनिजों का खनन भी होता है। समुद्री तटों पर प्रमुख व्यवसाय क्या होता है? समुद्री तटों पर प्रमुख व्यवसाय मछली पकड़ना होता है। चाय बागान भारत के किन राज्यों में अधिक होता है? या चाय का उत्पादन भारत के किन राज्यों में अधिक होता है? चाय बागान या चाय का उत्पादन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में होता है। चाय का उत्पादन सबसे अधिक असम में होता है। हरियाणा में आजीविका के लिए कौन सा व्यवसाय अधिक किया जाता है? हरियाणा में आजीविका के लिए प्रमुख व्यवसाय खेतीबाड़ी है। कार्यपत्रक दो, भारत में गांव के भूमिहीन लोग काम की तलाश में कहाँ जाते हैं? भारत में गांव के भूमिहीन लोग काम की तलाश में अपने राज्यों के बड़े शहरों तथा अन्य राज्यों में जाते हैं। हमारे देश में ग्रामीण परिवारों के कितने प्रतिशत लोग खेतिहर मजदूर हैं? प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में देख कर करना है ताकि आपका भी अभ्यास हो सके। मछली पकड़ने का काम कब नहीं किया जाना चाहिए? जब उनके प्रजनन का समय हो तब मछली पकड़ने का काम नहीं करना चाहिए। उत्तर भारत में लोग आजीविका के लिए कौन सा व्यवसाय पर ज़्यादा निर्भर हैं? उत्तर भारत के लोग अपनी आजीविका के लिए खेतीबाड़ी पर ज़्यादा निर्भर हैं। कार्यपत्रक तीन, अपने गांव के किसी किसान के बारे में निम्नलिखित जानकारियाँ लिखिए। उसके पास कितनी ज़मीन है? किसी भी किसान के पास 2 किल्ले हैं तो किसी किसान के पास 5 किल्ले ज़मीन है। उसकी ज़मीन में एक वर्ष में क्या क्या फसल होती है? किसान की ज़मीन से गेहूं, सरसों, बाजरा, मक्का आदि फसलें पैदा होती हैं। क्या किसान को खाद बीज खरीदने के लिए कर्ज लेता है? नहीं, किसान खाद बीज खरीदने के लिए कर्ज नहीं लेता। सरकार खाद बीज खरीदने की सुविधा देती है। वह कर्ज कहाँ से लेता है? किसान कर्ज बैंकों से लेता है। उसे कम ब्याज दर पर सरकार द्वारा कर्ज प्रदान किया जाता है। खेती के अलावा उसकी कमाई का क्या साधन है? खेती के अलावा किसान की कमाई का स्रोत पशुपालन है।